भावलपुर से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा पर जनरल इंतखाबात में कार सरकार में मुदाखलत करने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के मुकदमे में जमानत कबल अज गिरफ्तारी दे दी गई है। आपको बता रहे हैं बहावलपुर से, जहां पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा पर जनरल इंतखाबात में कार सरकार में मुदाखलत करने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के मुकदमे में जमानत कबल अज गिरफ्तारी दे दी गई है। बहावलपुर से खबर है जहां पर अदालत ने पीपल्स पार्टी रहनुमा अली हसन गिलानी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज मोहम्मद हुसैन ने की है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा इस समाअत के हवाले से। हाँ जी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं बहावलपुर में अली हसन गिलानी, और दो हल्कों से इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। इस जनरल इंतखाबात हुए थे 2018 के, और उसी इंतखाबात के दौरान उन पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था थाना सिटी अहमदपुर शर्किया में, जहां पर उन पर ये इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया और सरकार में मुदाखलत की है, जिसके बायस उन्होंने अभी तक इसमें अपनी जमानत नहीं करवाई थी। तो आज वो अदालत में इस हवाले से पेश हुए हैं और एडिशनल सेशन जज जो है मोहम्मद हुसैन साहब, उनके पास अपनी जमानत, जिसे अबूरी जमानत कहते हैं, उसकी दरख्वास्त दायर की है, जिसे मंजूर कर लिया गया है। उनके साथ साथ चार लोग और भी हैं जिनकी जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर की गई है। तो इस हवाले से कार्य सरकार में मुदाखलत करने, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के मुकदमे में अबूरी जमानतें मंजूर हो गई हैं। अली हसन गिलानी पीपल्स पार्टी के रहनमा है बहावलपुर में। जी, जमानतें मंजूर हो गई हैं। शुक्रिया महमूद जहीर।